जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 10वीं का 11वां पाठ पढ़ रहे हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति। उससे पहले अपन ने पढ़ा था शक्ति, शक्ति पढ़ा था। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति का सूत्र पढ़ा था P/W/T। और हमने शक्ति का मात्रक भी पढ़ा था, जूल पर सेकेंड, या संयुक्त रूप से अपने पढ़ा था वाट। शक्ति का मात्रक वाट वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। इस प्रकार से अपन ने शक्ति पढ़ा था, उसका मात्रक और सूत्र और एक वाट की परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकेंड किया गया कार्य कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उस परिपथ के द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत शक्ति। या हम कह सकते हैं ऊर्जा प्रवाह की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का सूत्र विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बट्टा समय। हमने पढ़ा था कि शक्ति को हम पावर अर्थात पी से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां विद्युत शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। कार्य क्या होता है? वर्क। वर्क को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। और समय क्या है? टाइम। और टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे विद्युत शक्ति का सूत्र आया है। इस विद्युत शक्ति के सूत्र से हम उसका मात्रक जूल प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं वाट, क्योंकि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। यदि विद्युत धारा धारा I द्वारा T समय में V विभवांतर के सापेक्ष किया गया कार्य कार्य W हो तो कार्य हमारे क्या हो जाएगा? कार्य बराबर VIT। यदि विद्युत धारा I द्वारा T समय में V विभवांतर के सापेक्ष कार्य किया जाता है, तो कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर VIT। इस कार्य W का मान शक्ति के सूत्र में रखने पर, विद्युत शक्ति के सूत्र में रखने पर तो यहां देखिए हमारे पास विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर W/T। यहां हम W का जो मान है क्या है? VIT। तो हम कार्य की जगह रखेंगे VIT, अपॉन में क्या है? T समय। T से T कैंसिल आउट, तो शक्ति विद्युत शक्ति का सूत्र क्या आ गया? VI। अर्थात विद्युत शक्ति क्या होती है? विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर विद्युत शक्ति होती है।
ऐसे ही यदि क्यू आवेश टी समय में वी विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो किया गया कार्य कार्य W बराबर क्या हो जाएगा क्यू वी। ऐसे ही शक्ति के सूत्र में हम इसका मान रखेंगे, विद्युत शक्ति के सूत्र में P बराबर W बटे T होती है विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति में W का मान हम क्या रख देंगे यहाँ पे क्यू वी अपॉन क्या हो जाएगा T। और हमको बताएं विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा क्या होती है आवेश बटा समय। विद्युत धारा क्या होती है आवेश बटा समय। धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को Q से, समय को T से। तो इस सूत्र में देखिए Q अपॉन T दिख रहा है, Q अपॉन T तो ये किसके बराबर हो जाएगा विद्युत धारा I के बराबर। तो हमारा शक्ति क्या हो जाएगा P बराबर IV। ये विद्युत शक्ति के कुछ सूत्र थे। अभी हम पढ़ेंगे 1 किलोवाट घंटा का जूल के साथ संबंध। एक किलो वाट घंटा का जूल के साथ संबंध। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट और H क्या है घंटे के लिए, तो 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो में कितने वाट होते हैं 1000 वाट। 1 घंटे में मिनट 60, 1 मिनट में सेकंड 60, ऐसे 1 किलो वाट घंटा। अब हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1000 वाट 60 को 60 से गुणा किया तो क्या आएगा 3600 सेकंड। आपको पता हो तो हमने वाट जो है शक्ति के सूत्र से वाट कहा था ना P बराबर W बटे T, तो P जो होता है वो क्या है जूल प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ हम वाट को जूल पर सेकंड कर लेंगे, जूल प्रति सेकंड इंटू 3600 सेकंड। यहाँ 1 किलो वाट घंटा बराबर यहाँ है सेकंड, यहाँ है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, 1000 जूल इंटू 3600 को हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 100 जूल। फिर क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, छत्तीस सौ इंटू 10^5 जूल। यहाँ हम लिखेंगे 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10^6 जूल। एक किलो वाट घंटा का जूल के साथ क्या संबंध है, तो हम इस प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं 1 किलो वाट घंटा। यहाँ 1 किलो वाट और H क्या है समय अर्थात घंटे के लिए, तो हमने 1 किलो वाट में कितने वाट होता है 1000 वाट, और 1 घंटे में मिनट 60, और 1 मिनट में सेकंड कितना होता है 60, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया और इस हमारे पास है 3600। इस प्रकार से फिर हम 1000 को इससे गुणा कर लेंगे तो इसका मान ये आएगा, और वाट जो होता है क्या होता है जूल प्रति सेकंड, तो हमने इसको वापस ओपन करके रखा है तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, जो मान आया है वो आया हमारा जूल में। इस प्रकार से 1 किलो वाट घंटा जो होता है 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है, और यही एक विद्युत यूनिट
जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च आता है वो यूनिट के रूप में आता है, तो इसे एक यूनिट भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।